हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग यार? कमेंट करके बता दिया करो क्या हालचाल है आपके। कोई बताता ही नहीं है, बहुत बार पूछता हूँ कैसे हैं, हर वीडियो में पूछता हूँ आपसे कैसे हैं, कोई बताता ही नहीं। तो चलिए आज ये वीडियो शुरू कर ली है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप वीडियो डालते हैं अपने चैनल पर डेली, चाहते हैं आपका चैनल ग्रो हो और आपके चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं पर डे के हिसाब से बढ़ने के बजाय डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। और अभी देखो, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, इसमें देखो मतलब काफ़ी दिन से जो है लोगों के एक दो चार जो भी है ऐसे बढ़ते हैं सब्सक्राइबर। बट मैं वीडियो भी डालता हूँ, अब काम भी कर रहा हूँ, लाइव भी कर रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे होंगे ना तो कम होता जा रहा है, मतलब दो चार कम होते जा रहे हैं। मतलब लोगों के तो बढ़ते हैं ऊपर को, मेरे क्या है नीचे को जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम हुई है, वो क्या हो रहा है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और ये आपको एकदम बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से ये है ना जो है नंबर जो है डाउन होते जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे यार मुझे टेंशन हो रही है इस वजह से और बहुत मतलब दुख हो रहा होगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर है ऐसे कम हो रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही होगी। तो गाइज मैं बताऊं, इस तरह की मतलब कोई मुझे टेंशन नहीं है और बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि अगर ये इस तरह कम हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है मेरे लिए और बहुत सही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर का कुछ नहीं है, उससे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर ऑफ़ व्यूज़, जो व्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूट्यूब पे चैनल बनाते हो और वीडियो डालते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है व्यूज़। अगर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर का करना क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें वीडियो में कि ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई है मेरे और क्यों प्रॉब्लम हो रही है ऐसे और ये कम क्यों होते जा रहे हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगा आपको फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। और चाहे आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको लाल बटन दिखाई देगा आसपास कहीं भी सब्सक्राइब का, उस पर सब्सक्राइब करोगे और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना क्योंकि नोटिफिकेशन के बगैर तो कुछ नहीं है। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो न्यू वीडियो कैसे देखोगे। तो फटाफट आप जो है नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था अक्टूबर 2017 में स्टार्ट किया, और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मैंने इस तरह का कोई प्लान नहीं किया था कि मैं जैसे अभी वीडियो डाल लेता हूँ, बीच में व्लॉग डालता हूँ या टेक्निकल से रिलेटेड कोई वीडियो डालता हूँ। तो तब मेरा कोई इस तरह का कोई प्लान नहीं था, मैंने एक नॉर्मल चैनल बनाया और उस पर मैंने मतलब कोई भी काम नहीं किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मैंने मतलब एक दो की स्टेटस वीडियो डाली और उसमें मैंने क्या किया था, बीच बीच में ना मैंने फुल सॉन्ग भी डाले जिसकी वजह से मुझे दो बार स्ट्राइक आई। तो मेरे मतलब स्ट्राइक आने के बाद में मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया, चलता रहा और स्ट्राइक एक्सपायर हो गई। सो गाइस, जैसा वीडियो डालनी शुरू की और उसके बाद में मतलब डेली मैं वीडियो डालता था, आपके चैनल को विज़िट करता था काफ़ी, तो मेरी कुछ वीडियो थी जो मतलब स्टेटस की वीडियो क्या हुई, अच्छे से वायरल होनी शुरू हो गई, अच्छे व्यूज़ आने लगे और सब्सक्राइबर जो है पर डे के हिसाब से बढ़ने लगे, चैनल भी थोड़ा ग्रो होने लगा। उस टाइम की बात है, लास्ट ईयर की। तो मेरा मतलब फिर उसके बाद में मैंने लाइव स्टार्ट करना शुरू की, मैं लाइव आने लगा, मतलब जल्दी से मुझे वॉच टाइम पूरा करना था और रिव्यू के लिए भेजना था। तो उस टाइम में अक्टूबर से पहले सितंबर के करीब में एक अपडेट आया था यूट्यूब का कि जो स्टेटस की वीडियो है वो जो है मोनिटाइज नहीं हो रही है और बहुत लोगों का जो है चैनल जो है वो डीमोनिटाइज हो गया इसकी वजह से। तो उस टाइम मैंने क्या किया, मुझे लगा कि ये चैनल जो है मेरा ऐसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने क्या किया, मेरे जो है ना उस पर मतलब जो मैंने वीडियो डाली थी उस टाइम जो वायरल हो रही थी, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर एकदम से आने शुरू हो गए थे, मतलब पहले हज़ार थे, हज़ार से एकदम से मतलब 3000 के करीब एकदम हुए, डेली बढ़ रहे थे, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा था चैनल का, व्यूज़ बढ़ते जा रहे थे और चैनल पे सब्सक्राइबर आते जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, पूरी जितनी वीडियो थी वो अक्टूबर में सब हटा दी, सारी वीडियो डिलीट कर दी, उसके बाद में मतलब कोई वीडियो नहीं रही और मेरी जो थी थोड़ी बहुत लाइव बची थी जो मैंने प्राइवेट कर दी। तो मतलब मैं आपको फालतू की कहानी बता रहा हूँ आपको, मतलब आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जो मेन चीज़ है वो क्या है। मैं आपको ये बताऊँ कि जब मेरे जो मेरी वीडियो वायरल हो रही थी जिसकी वजह से मेरे अच्छे सब्सक्राइबर आ रहे थे, तो वो क्या किया, वो मैंने डिलीट कर दी। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसा कि कोई हमारी वीडियो वायरल होती है जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर आते हैं, अगर हम उस वीडियो को हम डिलीट करते हैं
तो क्या होता है कि जितने सब्सक्राइबर उस वीडियो की वजह से आए हैं, मतलब जैसा कि पहले स्टेटस वीडियो थी उसकी वजह से सब्सक्राइबर आए मेरे, तो वो मैंने वीडियो कर दी डिलीट। तो अब क्या होगा कि अगर मैं उस तरह की वीडियो नहीं डालूँगा चैनल पे, मतलब उससे डिफरेंट वीडियो डालूँगा, तो जितने वो सब्सक्राइबर उस वीडियो पे आए हैं, मतलब उस वीडियो की वजह से जितने मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो वो क्या होंगे कि वो चैनल पे तो विज़िट नहीं करेंगे नई वीडियो, क्योंकि वो स्टेटस की वजह से आए हैं मेरे चैनल पे। तो क्या होगा YouTube जब वो काफ़ी दिन तक मेरे चैनल को विज़िट नहीं करेंगे, मतलब कोई भी मेरी वीडियो वॉच नहीं करेंगे, तो एज़ पर YouTube एल्गोरिथम वो जो सब्सक्राइबर हुए मेरे जो मेरे चैनल को विज़िट नहीं कर रहे हैं वो डेड सब्सक्राइबर है। तो YouTube क्या करता है, महीना दो महीना या कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो गया टाइम, तो क्योंकि एक साल हो गया मुझे जो है मैंने वीडियो डिलीट कर दी, काफ़ी मतलब 5-6 महीने हो गए, तो एज़ पर एल्गोरिथम YouTube की, तो वो जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे वो डेड सब्सक्राइबर हैं। और आपको पता होगा कि बहुत ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो वीडियो मतलब चैनल बना लेते हैं लेकिन ऐसे छोड़ देते हैं और कभी मतलब वीडियो नहीं देखते या किसी के चैनल पे नहीं जाते, तो वो भी क्या होता है कि YouTube के एल्गोरिथम के हिसाब से वो डेड सब्सक्राइबर हैं, और महीने दो महीने में YouTube जो है उसको ऑटोमेटिकली जो है वो हटाती चली जाती है। तो इसके ऊपर मतलब YouTube ने एक काफ़ी दिन पहले एक अपडेट आया था कि क्यों डिक्रीज़ हो रहे हैं, YouTube ने बताया था कि वो इस तरह के जो है जो आपने परचेज सब्सक्राइब किए हैं या इस तरह के जो भी होते हैं वो सब्सक्राइबर हटा रहा था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको दे दूँगा, सब फोर सब वाला जो है इस तरह का कुछ मैंने वीडियो बनाया था, आप आई बटन से आप एक बार वो वीडियो देख लेना, वो समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या हुआ गाइस, उसकी वजह से जितने भी है मतलब पर डे के हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि जितने जिस स्टेटस की वीडियो थी मेरी पहले जो मेरे सब्सक्राइबर आए, सब फोर सब वाले भी लगा सकते हो आप, और इस तरह के जो सब्सक्राइबर भी आए हैं जो पर्टिकुलर एक या दो वीडियो की वजह से आए हैं, तो वो अभी कम हो जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि अब जो है ओरिजिनल मेरा मतलब फेस कैम वीडियो हो रही है, मेरी लाइव होती है और मेरे व्लॉग होते हैं, तो जो मेन आएंगे हैं वो एकदम रियल होंगे। तो बस यही है, मतलब यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो सब्सक्राइबर का जो नंबर है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो अगर ये गाइस अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, और गलती से चैनल पे मैंने बोला था कि आ गए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।